हेलो दोस्तों, आप सभी का आज के पावन दिन पर, आज हमारा चूंकि 77वां स्वतंत्रता दिवस है, मैं एक बार आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। और आज का दिन कम से कम हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि हम आज स्वतंत्र हैं। आप, मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका, 5 मिनट, और हम बात करेंगे इस बारे में। आप थोड़ा सा मेरा सहयोग करें और मेरे साथ बने रहें। तो सबसे पहले, मैं कुछ बोलने से पहले, मैं उन शहीदों को, उन वीरों को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे लिए, इस देश के लिए अपनी जानें दी। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि आज का दिन अगर आप देख पा रहे हैं तो वो उन शहीदों की, उन वीरों की जो शहादत है उसके बल पर हम देख पा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जब हम स्वतंत्र नहीं थे तब हमारी क्या हालत थी, और तब से लेकर आज तक हम वर्ल्ड की 4th नंबर की हम पावर रखते हैं, इकोनॉमी रखते हैं 3रे नंबर की। तो ज़्यादा कुछ कहने से पहले, मैं सिर्फ, सबसे पहले मैं हमारे सैनिक हैं, हमारे जवान हैं, उनको एक बार मैं तहे दिल से सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि वो आज भी विपरीत परिस्थितियों में हमारी मदद कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, और उन परिवारों को मैं ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके भाई, जिनकी बहन, किसी का बेटा, किसी का पति जो सीमा पर हमारी रक्षा कर रहा है। अब दोस्तों, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर किसी ने भी, जिसने भी हमारे देश की 1% भी मदद की है या हमारे देश के लिए अपनी जान दी हैं, हमारी रक्षा की है, उन सभी को कम से कम हमें आज तो याद कर लेना चाहिए। अब हम देखते हैं, अक्सर होता क्या है कि फ़ोन पर स्टेटस लगा लिया, आज तो अपन सभी लगा लेंगे स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, सबको भेज देंगे, चलो ठीक है। पर अगर सोची जाए वास्तव में, तो क्या हमारा सिर्फ यही दायित्व तो है कि हम बस किसी को बोल के ये बोल दें कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं? क्या हम, हमारे अंदर वास्तविकता में देशभक्ति है? दोस्तों, देशभक्ति ऐसे नहीं दिखाई जाती है, घर पर सिर्फ झंडा लगाने से देशभक्ति नहीं दिखाई जाती है, सिर्फ मोबाइल पर स्टेटस लगाने से देशभक्ति नहीं दिखाई जाती है। देशभक्ति अगर सही मायने में देखी जाए तो वो है अगर अपन किसी की मदद कर पा रहे हैं, या हमारी वजह से कम ज़्यादा नहीं तो कोई हमारी वजह से दुखी नहीं है। हमने अक्सर, हम देखते हैं कि हम कर देते हैं कि हमारा ये संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, पर यार कोई ये नहीं सोचता है कि हमारे भी कुछ मौलिक कर्तव्य दिए हैं, संविधान ने ही दिए हैं, उनके प्रति हमको थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे भी इस देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं। यार सोचो कि जिन लोगों ने बिना किसी लोभ लालच के हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान कर दीं, और हम, वो तो बहुत बड़ी बात है कि हम 26 जनवरी को, 15 अगस्त को कम से कम राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मना लेते हैं, जब कम से कम हमें उन शहीदों की और इन चीज़ों की पता है। वरना वास्तविकता यह है कि हम वास्तव में इन 2 दिनों को छोड़ दें तो हम शायद परसों भी उन लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे।
मैंने अभी एक ट्रेंडिंग में था थोड़ा सा, कि एक वॉलपेपर था जिसमें एक आदमी फुटपाथ पे तिरंगे बेच रहा है। अब उसमें उन लोगों को देशभक्ति दिखाई दे रही है कि यार देखो तिरंगा का कैसे अपमान किया जा रहा है, और फुटपाथ पे पटक रखा है। तो आपको वहां पे देशभक्ति दिख रही है? अगर कोई बेचारा गरीब आदमी, चलो इसी बहाने से सही, अपने दो वक्त की रोटी कमा पा रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो देशभक्त नहीं है? अगर अपन बात करें दोस्तों, तो आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बस मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें अपने दायित्व का पता होना चाहिए कि हमारे इस देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं। तो दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप सभी का शुभकामना देकर विदा लेना चाहता हूँ। तो आप सभी को एक बार फिर से आज के गणतंत्र सॉरी स्वतंत्रता दिवस पर बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। तो अभी आप सभी बड़े अच्छी तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाएं, और सभी देशवासियों को मैं एक बार पुनः कहूँगा कि जो भी हमारे सैनिक हैं, उनके लिए, उनके परिवारों के लिए एक बार धन्यवाद, जो भी अपने आसपास हों एक बार धन्यवाद जरूर दें, और अपने मन में उनके प्रति एक श्रद्धा रखें, क्योंकि वो ही हैं अभी वर्तमान स्थिति में जो हमारी मदद कर पा रहे हैं, हमारी रक्षा कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद। मैं